Hey, क्या हुआ? पापा देख लेंगे तो? मैं तुम्हारे पापा से डरता थोड़ी हूँ। ये क्या है, हटाओ इसे। अगर नहीं हटाया तो? परेशान हो गया हूँ, बोला था उसे उस लड़के से दूर रहने को। वो उसे छोड़ने आया होगा, अभी तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जॉन, जॉन, अंदर आ सकता हूँ? जा, बिजी हूँ अभी। एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस जानवर के लिए आया हूँ। अब इससे क्या काम है भला? कुछ खास नहीं, मैंने सोचा इसके बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी मेरी। वैसे क्या हुआ है इसे, जरा मुझे भी बताओ ना। जाओ यहाँ से। कैमरा के सामने शर्मा रही हो? तुमसे नहीं, इससे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये मेल है या फीमेल? मेरा हैंड बैग जैसा, इसका पेट भी खाली है। आईफोन 5, अच्छा हुआ। चलो कोई काम की चीज तो मिली इसके अंदर से। ये चालू है, कमाल हो गया। हाँ बोलो, कुछ काम था? ओके आती हूँ। डरपोक, मैकडॉनल्ड्स या फिर कहीं और? बताओ कहाँ चलना चाहोगे? एक बार जरा फिर से करोगी? वो आईफोन वाला रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। लिजी, कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड को धोखा देना खतरनाक है। क्या इसने तुमसे ऐसा कहा? ये साफ झूठ बोल रही है। ठीक है, मैं तुरंत निकल रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ मैं तुमसे?
जानवरों की चीर फाड़ करने से ना रात को बुरे सपने आते हैं। तुम संभाल लोगी ना? हाँ एकदम। कहाँ जा रही हो? एक अर्जेंट काम है, मैं जल्द आ जाऊंगी। फिर मिलते हैं मगरमच्छ भाई। हाँ कोशिश करूंगी। आज रात का डिनर भूल मत जाना तुम। देखती हूँ आ पाऊंगी या नहीं। इसी बात को तुम थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकती क्या? क्या तुम भूल गए कि हमारे बीच झगड़ा हुआ है? मैं इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाली। अब मेरा पीछा करना बंद करो। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा प्यार तुम जानवरों से करती हो। सही कहा है तुमने, जानवर ज्यादा लॉयल होते हैं। चलो अब बता भी दो ना कहाँ जा रही हो। अब इस बार ऐसा कौन सा जानवर है जिसे तुम्हारे इलाज की जरूरत पड़ गई है? कुछ घोड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। अंदर और भी जानवर है, जाके उनका फोटो ले लो, उनके साथ मजा कर लो। वेलकम लिजी। वेलकम लिजी। और ड्रिंकर्स, हम पहले मिल चुके हैं, याद है हमने मिलकर एक पांडा को रेस्क्यू किया था? वो जो इलीगल तशक्री हो रही थी। हाँ, 6 साल हो गए। इस बार भी पांडा का ही केस है क्या? हाँ शायद शायद होगा। ये रही लाश, कल रात का ही मामला। हाथ कहाँ है? वहीं जहाँ इसके वाइफ का सर है। बेटी और उसका बॉयफ्रेंड, 4 लोग हैं। एक बच्ची भी है, लेकिन अभी उसका कोई पता नहीं। लेकिन ये जंगली कुत्ते। उस लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी था, शायद इसी वजह से। मैं 4 साल तक म्यांमार में थी काम करते हुए, एक हॉस्पिटल में जहाँ रोज ऐसे केस आते थे, उसमें कुछ जिंदा भी होते थे। बहुत बुरा हाल था उनका। लगता है मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। इसलिए तो तुमने मुझे बुलाया है यहाँ। ठीक है तो हम क्या करेंगे अब? कोई निशानी है? बारिश की वजह से सब धुल गया। फिर सोच लो, शायद तुम्हारा शक गलत हो। मैं इन घावों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। कोई और जानवर भी हो सकता है? पिटबुल्स? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं? आदमखोर शेर। क्या जवाब दूंगा? विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? बकवास, तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? डेव, 5 लोग मारे जा चुके हैं। हाँ न्यूज़ देखी मैंने, लेकिन उन लोगों ने कहीं भी शेर का जिक्र नहीं किया। उन्हें कुछ भी पता अच्छा, नहीं। और तुम्हें सब कुछ पता है? देखो अगर वो सच में शेर होता ना तो अब तक तबाही मच चुकी होती। जरा धीरे बोलो, अगर लोग सुन लेंगे तो बहुत तबाही मच जाएगी। इस बात का विश्वास कोई करेगा ही नहीं। हाँ तुम्हारी बातें तो विश्वास लायक भी नहीं होती। क्या मतलब? सीरियसली? अब देखो पुरानी बातों को लेकर फिर से शुरू मत हो जाना तुम। मैं बस उस लड़की की आंख से वो निकाल रहा था, कचरा। अच्छा अपना पैंट नीचे करके? हाँ। अरे पैंट नीचे पहनना तो आजकल का वो फैशन है ना। कब से? अब वो मैं थोड़ा पतला हो गया हूँ ना तो मेरी पैंट अब अपने आप नीचे आ जाती है। अच्छा छोड़ो ना, हम लोग वो शेर की बात कर रहे थे। कैसा शेर? हाय लिजी। वो न्यूज में दिखा रहे थे कि एक शेर के जुड़वा बच्चे हुए हैं। मतलब कुछ भी, शेर कब से बच्चा देने लगा? शेर नहीं देती है बच्चा। तुझे इतना सब कुछ पता है तो तू पूछ क्यों रहा है? वैसे कैसी हो तुम? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, पूरे घर को जंगल बना रखा है इसने, जानवरों की तरह रहता है, परेशान हो गया हूँ। हाँ मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझती, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है ये। वो तो मुझे भी पता है। तारीफ के लिए शुक्रिया मार्टिन, क्यों ना आप तो जाकर हमारे लिए एक एक ड्रिंक ले आए। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे कपल लगते हो सच में। कुछ ऑर्डर करेंगे?
मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। एक ऑर्डर के लिए इतना क्या सोचना है? मैं हमारी बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूँ। इतना आसान नहीं है। जब तक तुम सुधरोगे नहीं, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती। अरे सुधर तो गया मैं। लो, तुम चाहो तो मेरा फोन भी चेक कर सकती हो। मुझे भूख लगी है। अरे सच में सुधर गया हूँ मैं। एक सच्चे रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है ये समझ में आ चुका है मुझे। सच कह रहा हूँ, विश्वास करो मेरा। लगता है ज्यादा फिल्में देखने लग गए हो। वैसे कभी कभी फिल्में भी बहुत कुछ सिखा देती हैं। मैं फिश खाना चाहूंगी। मतलब अब मान गई हो तुम? क्या कहा तुमने? यही कि हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और क्या? ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तो यही हुआ। खाओ चुपचाप। फिश खा खा कर बोर हो गई हूँ। अब कुछ नया नया ट्राई करना चाहती हूँ। फिशो, उधर इशारा मत करो, मैं अपना माइंड बदल दूंगी। और हाँ, वो लड़की से मिलना बंद कर दो। किसकी कार से चले? ऐसे मैं तो बस से आया था। एकदम पागल ही हो गए हो। कुछ नया भी ट्राई करते रहना चाहिए ना। Hey David. Hey. क्या करेगा तू उस टेप का? हाँ? टेप? कौन सा टेप? वही टेप जिसमें तूने अश्लील वीडियोस रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। लगता है बेचारे को याद नहीं आ रहा है। वो वाला टेप। इसके नंगे वीडियोस जिसमें भरे थे। ये तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर पूरे फिल्म बनाने के चक्कर में था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो देख अपन तेरा क्या हाल करता है। सुनो भाई, छोड़ो मुझे। लीजिए बताओ क्या करोगे। पहले अपन तेरा गला दबाएगा, तेरे नाखूनों को निकालकर फिर तुझे जलती आग में भूनूंगा। वाह, कितना मजा आएगा। अब तू कौन है? छोड़ दो इसे, ये कल टेप लौटा देगा। क्यों डेव? हाँ पक्का, वादा करता हूँ मैं। अपन तेरे को देख लेगा। देख लूंगी तुझे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या हुआ? सुधरने में अभी और टाइम लगेगा तुम्हें। अरे वो लड़की झूठ बोल रही थी। वो पूरी तरह न्यूड नहीं थी, बिकनी पहनी हुई थी उसने। सच कह रहा हूँ, तुम चाहो तो वीडियो देख सकती हो। दो हफ्ते भी सही से नहीं रह पाए तो कैसे रहता? तुमने तो घर से निकाल दिया था मुझे। मैं भी इंसान हूँ यार। बाय डेव। इस तरह तो मत जाओ यार। जाओ, वही टेप देखकर काम चला लो। एक सौ 113 मीटर। देखो अब मैं कैसे मारता हूँ। सीधा होल में जाएगा। देखो 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 देखो। पागल है क्या ये? मैं उसे साइड में ले जाऊंगा। पेपर लाए हो? हाँ। ध्यान किधर है तुम्हारा? मेरे शॉट पे ध्यान दो। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तुम डरते हो क्या उसे? ऐसे पागल का क्या भरोसा? मुझ पर छोड़ दो ना, चिंता क्यों करते हो? ओफो, उधर कैसे चला गया? हवा की वजह से भटक गया होगा। तो आपको हवा का रुख देखकर मारना चाहिए था ना। अच्छा, तो अब तू बताएगा मुझे शॉट कैसे लगाते हैं? हाँ, आपका शॉट ही गलत था। रुक, फिर से दिखाता हूँ। ब्रेन सही बोल रहा है वैसे। ओ, तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम दोनों बेवकूफों के साथ बिजनेस करना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें लगा मैं सीरियस हूँ। तुम दोनों का चेहरा ही उतर गया। तुम दोनों की टांग खिंचाई करने में बहुत मजा आता है। तुम दोनों भी ना। ये सच में पागल। ठीक है नन्हे बॉल, प्यारे बॉल, कहाँ चले गए तुम? सामने आ जा बेटे। हैंड्रिक्स, कुछ बात करनी थी तुमसे। ओ, यहाँ हो तुम। पता है गोल्फ बॉल में डिंपल क्यों होता है? डिंपल्स? हाँ, नहीं पता? जनरल नॉलेज के मामले में तुम दोनों एकदम गधे हो। मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हारे साथ बिजनेस कर पाएंगे। आह, क्या हुआ? अरे तुम तो बुरा मान गए। ये क्या है? हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। खत्म? ऐसा नहीं कर सकते तुम, मुझे धोखा दोगे। पर्सनली मतलब पर तुम जानते हो कि ये काम नहीं कर रहा है ना? ये गलत है। जो भी है हेंड्रिक, समझ लो कि फैसला हो चुका है। मेरा सिग्नेचर चाहिए तुम्हें। हाँ, इसके लिए पेन भी लाया हूँ।
शाबाश हेंड्रिक्स, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। रही बात बॉल पे डिंपल की, तो मैं रुक जाओ। ब्रेन, क्या क्या तुम? मैंने कुछ नहीं किया। दूर है, तू वहीं खड़ा रहे, बिल्कुल वहां मत जाओ। ब्रेन, ब्रेन। क्या हुआ है यहाँ? खूंखार जानवर था। ब्रेन, सुनो, पुलिस को बुलाना चाहिए। ब्रेन, एक रात में 40 किलोमीटर पॉसिबल है क्या? वो फास्ट है। कितना फास्ट? वेरी फास्ट, और बहुत बड़ा भी है, लगभग 2 मीटर 200 किलो। 2 मीटर? पूंछ छोड़ के। क्या मजाक है। और क्या जानती है उसके बारे में? इंसान पसंद है उसे, डर है कि वो शहर में ना घुस जाए। शेर, क्या सबूत है? सबूत नहीं, शक है। तो कैसे मान लें? वही तो, ये अफवाह तो पहले भी उड़ी थी, बाद में पता चला कि वो एक बड़ी बिल्ली थी। बॉडी पे घाव के निशान देखकर आप भी विश्वास करने लगोगे। लेकिन वो आया कहाँ से? किसी भी जू या सर्कस से कोई शेर के भागने की खबर आई? नहीं, अब तक तो नहीं। हमारे देश की जंगलों में शेरों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या खाने की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। इस शक के आधार पर तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते ना। कई लोग तो शानो शौकत के लिए भी शेर पालते हैं। अगर वहाँ से भागा होगा तो इस बात की जानकारी हमारी पुलिस को नहीं होगी। इस कहानी में भी दम नहीं है लिजी। कहानी नहीं है सर, ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी है। आपने भी सुना होगा कि लोगों ने शहर में टहलते शेर को देखा। मैंने भी सुना है सर, ये पेरिस की घटना है। ओके, मान लेते हैं ये बात सच है, ये शेर का मामला है। हम इस मामले में क्या ही कर सकते हैं? उन्हें बुलाना पड़ेगा जो इस काम में माहिर है। मतलब शिकारी? हाँ, प्रोफेशनल शिकारी। ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, ये इंसानों को खाने वाला जानवर बहुत डेंजरस है। आदमखोर, बात गंभीर है। उसने एक बार इंसान का खून चख लिया है, अब आदत लग गई है। मैं अपने शहर वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। क्या कुत्तों की मदद से उसका पता नहीं लगाया जा सकता? इसमें कुत्ते हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। इससे बस समय की बर्बादी होगी। उसका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, वो दिन में छुपा रहता है और रात में अंधेरा होते ही वो अपने शिकार पर निकल पड़ता है। अगर हमें उसे पकड़ना है तो अंधेरे में ही पकड़ना होगा। इसके बारे में और कौन जानता है? तीनों और फॉरेंसिक टीम। बात बाहर ना जाए वरना शहर के लोग डर जाएंगे। मैंने अपनी टीम को बोला है कि हमें एक जंगली कुत्ते को ढूंढना है। वाह, इसे कहते हैं दिमाग से काम लेना। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? I'm sorry, but लोगों से छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो अखबार के फ्रंट पेज पे छपवा दें कि शहर में एक खूंखार शेर घूम रहा है। इसका अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा है तुम्हें? लेकिन सर, लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनके सिर पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। आधे से ज्यादा तो डर से मर जाएंगे। ज्यादा सोचो मत, तुम बस सिस्टम पर भरोसा रखो, ठीक है? तो इस बात का निचोड़ ये है कि मीडिया को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। लोग कैसे मरे हम ये बात भी छुपा कर रखेंगे। हो सकता है वो शेर अब तक हमारा देश छोड़कर ही चला गया हो। टीवी ऑन कर सकती हूँ? तुम्हारा फेवरेट सीरियल आ रहा है क्या? मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया ताकि वो शेर बिल्कुल भी अंदर ना आ सके। मेरे मन में अभी भी डर बैठा हुआ है। देखिए, हमारे एक साथी की मौत हुई है लेकिन अभी तक मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। क्या किसी और ने शेर को देखा है, ऐसा कुछ पता चला है आपको?
मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी डर का माहौल है यहाँ पे। पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि इस घटना का कल वाली घटना से जरूर संबंध है, लेकिन अभी कुछ साफ साफ कहा नहीं जा सकता है कि सच में कोई शेर है या नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं मार्टिन 85 टीवी से। और कोई जानकारी मिलते ही हम आपको तुरंत बताएंगे। शहर में कबूतरों की संख्या में हमसे ज्यादा जानकारी तो ये मीडिया रखती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करती हूँ। अब हमारे चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर आप सभी से बात करेंगे, फिर एक बयान जारी करेंगे, उसके बाद आप सबके सवालों के जवाब देंगे। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शेर हमारे शहर में घूम रहा है। मैं ये कंफर्म तो नहीं कर सकता, ना ही मना करूंगा, लेकिन हमारे पास सबूत हैं, जो सबूत काफी ठोस हैं। है तुम सब चुप रहो, ये सुनो। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि सब अलर्ट रहें और कुछ भी गलत हो तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, और अगर जरूरत ना हो तो कृपया करके घर से ना निकले। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए एकदम तैयार है। कोई भी घबराने की या फिक्र की बात नहीं है। कोई भी नई जानकारी आएगी तो तुरंत सबको बता दिया जाएगा। Any question? हाँ, किसी ने शेर को देखा है? कुछ लोग शेर को देखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात कंफर्म नहीं कर सकते। कुछ साल पहले भी इसी तरह की अफवाह उठी थी, लेकिन वो सारी की सारी गलत साबित हुई, तो कहीं ये भी तो कोई अफवाह नहीं? देखिए, ऐसी अफवाह फैलाकर हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। हम बस यही चाहते हैं कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी खतरे में ना पड़ें। हमारा शहर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिस्ट में 13वें नंबर पर आ गया है। हम ओलंपिक्स बिड भी हार गए। प्रमोशन के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है ना? किसी को कोई ढंग का प्रश्न पूछना है मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक इंटरनेशनल अटेंशन पाने की कोशिश की है? कुछ साल पहले ऐसी ही शार्क की अफवाह उड़ी थी। पता चला एक कंपनी ने अपने बियर के प्रमोशन के लिए अफवाह उड़ाई है। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। हम चाहते हैं पब्लिक इसे लेकर सतर्क रहे, और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग भी सीरियसनेस को समझें। अगर और सवाल ना हो तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर सकते हैं। देखा, इसलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहता था। कम से कम आप लोग सावधान तो रहेंगे। जब तक शेर एक दो को खा नहीं जाता ये नहीं मानने वाले। हाँ। और क्या बोलूं? तुम अभी तक गुस्सा हो मुझसे? न्यूज नहीं फैलानी चाहिए थी। उन लोगों ने ही बुलाया था मुझे। शायद उन लोगों ने कोई बड़ा सा जानवर देखा था और मैं। और तुम पहुँच गए कैमरा लेकर? देखो, कल जो भी हुआ मैं। मुझे बात नहीं करनी। और क्या हुआ? ऑफिसर प्रोफेशनल शिकारी को बुलाना चाहते हैं, देखते हैं। गुड। एक है, वो लंदन में रहता है, कई शेरों को मार चुका है, काफी अनुभवी शिकारी है। हाँ, तो उसी को बुलाते हैं। हाँ, अब उसी के बस की बात है। हाँ, ऑफिसर को भी इसके बारे में कुछ पूछना है। शिकारी के बारे में? हाँ। वैसे वो खाने के टाइम पे बाहर आ जाता था। कौन? यहाँ से भागा हुआ शेर। बेवकूफ। सच में कोई शेर बाहर घूम रहा है क्या? हाँ, खबर तो है। ये खूंखार है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इसे टहलाने नहीं ले जाता। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये खूंखार तो बहुत है। अकेले अकेले ही पिएगी क्या? हे, ये मेरे पैसे का है। शी, क्या? वो क्या चीज है? मरा हुआ खरगोश लगता है। छोड़, हमें क्या, ये ले पी। मेरा तो मूड खराब हो गया। चूहा भी हो सकता है।
किसी गाड़ी में दब के मर गया होगा। चूहा या खरगोश, हमें क्या। हाँ वो तो है। मैं मदद करूं? आज किसी का इंटरव्यू नहीं लिया? देखो शहर में एक शेर घूम रहा है और हम किसी भी वक्त मर सकते हैं, तो क्यों ना जब तक जिंदा है तब तक साथ में ही रहे। हाँ अच्छा, तो मीडिया वालों को भी डर लगता है शेर से, यही कह रहे हो? हाँ बहुत ज्यादा। मेरे कुछ दोस्त तो शहर छोड़कर भाग भी गए, लेकिन मैं यहीं रुक गया तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अच्छा तो पिज्जा खरीदा गया है, तुम जानती हो ना तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए। क्या हुआ? डरपोक। क्या पीछे क्यों हट गए? अरे लेकिन मैं पहले से ही। हाँ, डरपोक के डरपोक ही रहोगे तुम। मुझे लगता है तुम आजकल कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो, थोड़ा आराम कर लो यार। अच्छा किसी पब वगैरह में चलते हैं ना, वहाँ एंजॉय भी कर लेंगे और ये पिज्जा भी खा लेंगे, वरना खराब हो जाएगा। कहीं नहीं जाना है मुझे। क्यों? क्या क्या बोला बे? वही जो तूने सुना साले। जाने दो डेव, दिखता नहीं तेरे को लड़की को चोट लग जाती तो। वैसे मारना तो तुझे था लेकिन तू चुप गया, तो फिर ट्राई करता हूँ। बात यही खत्म करो। वैसे वो सही बोल रही है, स्मेल अच्छी है। रोटी और चिकन है, मुझे लेना है। ए! दो लोगों के लिए चाहिए। हाँ गर्म है ना। फ्री वाइन भी मिल जाती तो। थैंक्स। रोटी और चिकन, मजा आ जाएगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। चिकन का लालच देकर मनाना चाहते हो? अरे हाँ ये तो तुम्हारा भी फेवरेट है ना। छह रोटी, मैंने तो आठ का बोला था। जो है यही है। गुड नाइट। पर पैसे तो आठ के दिए थे और फ्री वाइन कहाँ है? वो आठ रोटी पे मिलता है, आपका तो छह है। ये बेवकूफ समझा है तुमने? बोलो बॉस। कस्टमर की कंप्लेंट आई है। क्या? वही बेवकूफ। कौन कस्टमर? वही जिसका ऑर्डर ले गया है तू। नहीं क्या तुझे? डिलीवरी तो कर दिया। इसमें रोटी आठ थी। क्या? अरे आपने आठ नहीं छह दिया था। चुप कर। माँ की कसम। चुप कर वरना एक लाफा दूंगा। चिल्लाओ मत। वापस आ बताता हूँ। चिल्लाओ मत। तो जा फिर बताता हूँ। कसम से बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा होगा आके बता। ए दिमाग मत खराब कर। मैं तू आ तेरा ए बकवास बंद कर और फोन रख। तू दुकान तो आ, एक बार दुकान आ फिर तेरे को देखता हूँ मैं।
है मुझे पूरे की भी नहीं। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। वो उसका बेड है, रात वाली उतरी नहीं। धर तेरे की। क्या हुआ? अरे अभी एक न्यूज कवर करने के लिए जाना है। तो अपने बाइसाइकिल पार्किंग बिजनेस के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें ये कैसे पता? मोबाइल से पता है। ये जॉब बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो मुझे कभी मिलवाओ ना उस शेर से, उसका इंटरव्यू लेना है मुझे। तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। कल रात को जो हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ओह, अच्छा कोई न्यूज? नहीं कुछ खास नहीं, वही शेर का एक के बाद एक हमला बढ़ता ही जा रहा है। जैक को कॉल करोगी? कर दिया है। और जवाब? आया है। चलो जिंदा तो है वो। वो सच में बेस्ट है। हाँ मतलब शेर का शिकार करने में। हाँ समझ गई तुम्हारा मतलब। अगर वो यहाँ नहीं आया तो? अभी उसके पास टाइम है, ऑफिसर किसी और को बुलाना चाहते हैं। चलो अच्छा ही हुआ। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? काम में नो दोस्ती। सही है। तुम्हें जलन हो रही है क्या? अगर वो सिर्फ दोस्त है तो नहीं। अच्छा वैसे वो दूसरा आदमी कौन है? पता नहीं, सुना है वो उससे भी अनुभवी है। हाँ सुना तो मैंने भी है, स्थिति बहुत ही गंभीर है वहां की। टेंशन मत लो, शेरों को मारने का काम मैं पहले भी कर चुका हूं। क्या सच में? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और भी तरीके हैं मेरे पास। आज दोपहर तक? चलो ठीक है, कैसे भी करके आता हूं मैं। नहीं नहीं मैं सब संभाल लूंगा, और जहां मैं होता हूं वहां चिंता की बात नहीं होती। ठीक है मिलते हैं। वाओ पापा, आप शेर मारने जा रहे हो? तुम क्या मेरी बातें सुन रहे थे? मैं भी शेर को गोली मारूंगा। बम। तुम नहीं चल सकते, ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पापा मुझे भी चलना है। अगर तुमने जिद नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगा। चलो मेरे बच्चे। शेर हमेशा खाली रास्ता चुनता है, अगर हम इस रास्ते को देखें तो यहां खत्म होता है। पार्क के पास? सही कहा, पार्क के पास। आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं? आप कौन? पीटरमैन्स, ग्रीन लेफ्ट पार्टी, साउथ एडमिनिस्ट्रेटिव। मेरा मानना है कि हमें शेर को मारने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी शेरों की संख्या पहले से बहुत ही कम हो चुकी है अब। और वो शेर जो हर रोज किसी ना किसी बेकसूर इंसान को मारे जा रहा है, उसका क्या जवाब दीजिए मुझे? नहीं मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि हम उस शेर को वापस जंगल तो भेज ही सकते हैं ना। ना हम उसे मारे ना वो किसी को मारेगा। शेरों को मारना वैसे भी इलीगल है। जरूरत है पर जरूरी तो नहीं। इसे किसने बुलाया है यहाँ पर? बुलाना पड़ा। ऐसे समय में ठोस कदम उठाना जरूरी है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि स्थिति कितनी गंभीर है। लोगों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। मेरे दोस्त के पास शिकार का काफी अनुभव है, ये काम इसके बाएं हाथ का है। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे जंगली जानवरों को पकड़ने का तजुर्बा है, और शेर का शिकार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। ऐसे तो मैं तैयार हूं, मेरे लिए ये काम बड़ा नहीं है। कल रात हम दोनों बैठकर पार्टी कर रहे होंगे। इससे नहीं होगा। ये पहले कर चुका है,
ये जो मारे हुए शेर का फोटो दिख रहा है, मालूम है कैसे मारा है? दवा से पहले शेर को बेहोश करता है, फिर उसका शिकार करता है। ये बहुत गलत बात है। कर लेने तो गलती, उससे बेहोश कैसे करेगा? ओके, अपना ख्याल रखना तुम भाई। गलती कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं जरा हल्का हो के आता हूँ। बाकी क्या बे साले, कहीं भी मुटेगा? कृपया ध्यान दे, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि 6 बजे से पहले ये पार्क खाली कर दें। कृपया ध्यान दें, आप सभी से निवेदन किया जाता है 6 बजे से पहले। चलो अभी तो बहुत टाइम है। ऑफिसर को लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके, अभी आया। हाय, कहाँ हो तुम? जोहाना का इलाज कर रही हूँ। जोहाना? हाँ, हाथी का नाम है। बताओ तुम कहाँ हो? मैं तो पार्क आया था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। ओके, तुम थोड़ा संभल के रहना। क्यों, कोई दिक्कत? ज्यादा नहीं, काम ही दिक्कत वाला है, ख्याल रखना। तुम भी। हे, कैमरा स्टार्ट करो। यहाँ खड़ा रहो। रेडी, शुरू करें। 6 बजते ही पार्क में घूमने वाले सभी लोगों को निकाल कर पूरी तरह से इसे सील कर दिया गया है। अंदर अभी कोई नहीं दिख रहा, तो बता सकते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ? जी, हमारी जानकारी के हिसाब से वो अंदर छुपा हो सकता है। तो अंदर छिपे शेर के लिए आपने क्या तैयारी की है? खबर है कि एक प्रोफेशनल शिकारी को बुलाया गया, हम शेर से निपट नहीं सकते। तो शेर के लिए अपने प्रोफेशनल शिकारी को बुलाया है? हाँ, मैंने कहा ना कि हम शेर से निपट नहीं सकते, एक प्रोफेशनल शिकारी को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम तक स्थिति ठीक हो जाएगी। थैंक यू। थैंक्स। कट करें। सुनो, सब पीछे हो Thank you.
की शेर की आवाज तो एकदम असली लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो आ गए। चल चौपर आ रहा है। हाँ, क्या अपडेट हाँ, है हाँ, सारे एग्जिट गेट बंद है, चारों तरफ पुलिस है, चिंता की कोई बात नहीं। ऑफिसर ऑफिसर सर, जो अभी बताइए ना, अंदर से आवाज आई, शेर सच में है क्या? एक प्रोफेशनल शिकारी का अपना तरीका होता है, आवाज निकाल कर वो पहले शेर को बुलाएगा और फिर उसके बाद उसके सिर में गोली दाग देगा। देखिए तो समय बताएगा। इसे कुछ नहीं पता, ये बस टाइम पास कर रहा है। क्या कहना चाहते हो? अंदर चल के खुद देखते हैं ना। मजाक कर रहे हो क्या? तुम यहाँ कैसे आए? आवाज मत कीजिए, वो आ जाएगा। उससे पहले मैं आ गया। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। तुझे बोला था ना घर पे रहने के लिए। दो लोग लड़ रहे हैं। तुम आदमी और शेर नहीं दिखा? नहीं, शेर नहीं है यहाँ। गन मुझे दे दो। अरे छोड़ो, गोली चल जाएगी। छोड़ो मैंने कहा। हाँ आओ, शेर आ चुका है। उधर है, वहीं रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। पुलिस 01, वहाँ क्या दिख रहा है? सब गड़बड़ हो गया। बैकअप भेजो। ले
कॉल करता हूँ। नजर बनाए रखो। वो भाग रहा है अभी। आई एम फॉलोइंग हिम। अच्छा अभी कहाँ है? बाहर की तरफ जा रहा है। टीम तैयार रहना। हाँ, हम गेट पर ही है। गायब हो गया। क्या कह रहे हो? कहाँ गया वो? वो रोड पर उत्तर दिशा में जा रहा है। फॉलो करो उसे। उसके पीछे ही हूँ। ओके, टीम उसे जाने मत देना। बाय नॉट टू रास्ते में है। भाग गया। लेकिन कैसे? वो गायब हो गया। भाग गया सर। भाई खतरनाक सीन था। चल निकलते वरना पकड़े जाएंगे। हाँ ए, तुम दोनों। बोलो। लिजे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सब गड़बड़ हो गया ना, मुझे पता। कैसे पता? रिपोर्टर मेरा दोस्त है। अब क्या? तुम बता रही थी ना लंदन के किसी शिकारी को जानती हो तुम। अगर तुम उसे बुला देती तो अच्छा रहता। पैसा है, दिक्कत नहीं है पैसे की। बुला दिया है उसे। कल तक शायद वो भी पहुँच जाएगा। कल ही? थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। लेकिन एक बात है, देव को छोड़ दो। ओके। तुम जा सकते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से। चल। अरे चलना जल्दी चलते। और इसमें शिकारी और उसके बेटे की मौत हो गई। ट्रैम वाले इंसिडेंट में भी 2 जनों की मौत हो गई है और 6 लोगों को घायल रूप में हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनमें से 3 लोगों की हालत बहुत नाजुक बताई गई है। शहर के मेयर ने भी अफसोस जताया है। आसपास के देखने वालों ने बताया है कि वहाँ एक शेर था। आप सबसे अपील की जाती है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। लगातार 3री रात को वासेनार में एक रिफ्यूजी सेंटर में फिर से। मैंने वार्निंग दी थी, एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत ही खतरनाक मंजर था, मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम तो अभी डरे हुए लग रहे हो। हाँ वो तो थोड़ा ठंड की वजह से। तुम नर्वस हो? क्यों? वेल, कल बहुत बड़ा दिन है। तुम्हारा एक्स आ रहा है ना, 7 साल बाद मिलोगे उससे। 8 साल। इतना याद है तुम्हें? मैं उसे भुला चुकी हूँ डेव, और तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन मेरी नजर रहेगी तुम दोनों पर, ठीक है ना? जो हम सुनते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। उस पर भरोसा नहीं है। तुम यहाँ रात को नहीं रह सकते।
रुक नहीं सकता, लेकिन बाहर मार्टिन मेरा इंतजार कर रहा होगा। आज रिस्क लेकर हमें बहुत बड़ी रिपोर्टिंग करनी है। शेर तुम्हें नहीं खाएगा, उसका पेट भरा हुआ है। अपना ख्याल रखना। फ्लाइट एकदम टाइम पे है, जितना दिन चाहे वो यहाँ होटल में रुक सकता है। उसे बोलना तुरंत ही काम शुरू करे। हाँ, उसे भी यही चाहिए। हाँ वो रहा। अरे ये क्या, उसे फ्लाइंग पसंद नहीं है। मिस्टर जैक, मिस्टर जैक, हम पहुंच गए। लिजी, मेरी प्यारी दोस्त। अरे संभालो यार अपने आप को। तुमने बताया नहीं। बताती तो क्या कर लेते। अरे वो दिव्यांग है, क्या जवाब दूंगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। कब आएगा। हाँ बस आता ही होगा, हमने उसे होटल छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा फ्रेश हो सके और आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस काम को पूरा कर पाएगा। मैं ये तुम पर छोड़ रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई जो मैंने अपने दोस्त को हायर किया था, पर क्या करे, होता है। उसने भी कोशिश की। कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं हूँ जैक, अपनी ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ। वेलकम जैक, अच्छी मशीन है। ये बस मशीन नहीं है, ये सहारा है मेरे लिए। लिजी, कसम से कमाल लग रही हो। थैंक्स जैक। हेलो, मैं जैक हूँ। या हम एयरपोर्ट पे मिले थे। कब, मुझे याद नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, तुम पुलिस वाले हो ना। हाँ बिल्कुल सही। देखा, पहचान लिया। बढ़िया पार्क है। घटना वाली जगह उधर है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। सुनो ऑफिसर, वहाँ क्राइम स्पॉट है, याद है ना, पब्लिक अलाउड नहीं है। ये नहीं हो सकता, इसकी तो एक टांग ही नहीं है। हाँ देखा मैंने। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ ओलाफ। मामला फिर से बिगड़ने वाला है, मैं कह रहा हूँ। उफ, ऊपर वाले। ये जगह बहुत ही अच्छी है। ये मशीन को क्या हो गया, यहाँ की हवा सही नहीं चल रही है। तुम्हें कैसे पता चला कि सही नहीं है। मैंने दरअसल कल ही चेक किया था, 1.6 पर सेकंड स्पीड होनी चाहिए शिकार के लिए, लेकिन है 2.4 सेकंड्स। बकवास है।
बहुत बड़ा है, लगभग 7 फीट और 200 किलो का होगा। इंसान खाने वाला? मैंने समझाया था ना। क्या? किसी को नाम से नहीं बुलाना है, वो उसी का शिकार करता है। हाँ, और हाँ, उसे इंसान खाना पसंद है। कुछ भी। उस तरफ। शेर की टट्टी सुनकर उसका पता लगा लिया। नहीं, वो भूखा है। तो क्या लगता है? एक्सपर्ट तुम हो, तुम बताओ। मेरे ख्याल से ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये वो तो है। बताओ, शेर कहाँ से आया होगा? ये तो अभी पता नहीं। क्यों? शेर से ही पूछकर सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। सब कुछ बताऊंगा। हाँ, जरूर। तो मुझे बताओ कि वो लड़का कैसा है? डेव, वो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे अच्छा होगा वो। तुम भी अच्छे थे जैक। थैंक यू। नाइस लॉकेट। कल ही खरीदा मैंने। खुश तो हो ना? दिखने में नहीं लगती तुम। खुश हूं मैं। अरे बाप रे, बहुत बड़ा है। मुझे ये एक बार में खा जाएगा सच में। ये अफ्रीकन शेर लगता है ये। मतलब दूर से आया है? पार्क अटैक के तुरंत बाद ये घटना हुई? हाँ, मैं ऐसा पहली बार कुछ देख रहा हूँ। बहुत फास्ट है वो और बहुत भूखा भी है। इस शैतान को कैसे पकड़ोगे? शैतान नहीं है वो राजा दरअसल जंगल का शेर है। कुछ तो इज्जत करो उसकी। ऊपर वाले का बनाया हुआ जानवर शैतान कैसे हो सकता है? आज के बाद इज्जत से बात करना उसके बारे में। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, उसको ढूंढूंगा और उसे मार दूंगा मैं। सारे पुलिस वाले डरपोक हैं। वो एक मामूली शेर से डर गए हैं। उनसे बहादुर तो मेरा ये दोस्त है। भाई बता जरा, तूने कितने लोगों को अब तक मारा है? मैं नहीं जानता, बहुत सारे। और इस भाई ने तो एक साथ 3-3 शेरों को मारा था, वो भी बाएं हाथ से। ये भी बता, जिस दिन वो शेर हमें मिल गया ना, कसम से वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के लोग कल की घटना से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हूँ आपका दोस्त मार्टिन, 85 टीवी से। थैंक यू गाइस। दिमाग का दही नहीं करने का, दोनों ही फेंक रहे थे। ये आज लिजी का दोस्त आने वाला था ना, वो आया कि नहीं? पता नहीं, शायद आ गया होगा। उस पे ध्यान रखना मेरे भाई, कहीं तेरी बंदी को ना उड़ा ले जाए। उसका अगला टारगेट क्या है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। उसकी चाल का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। तो जाल बिछाइए। वो तो सिर्फ बच्चे और कुत्तों के लिए काम आता है। तो किसी के मरने का वेट करें? बात यह है कि उसके मुंह इंसानी खून लग गया है, अब उसे और चाहिए। तो क्या करें हम? हम उसे नहीं, वो हमें ढूंढने वाला है। शेर अपना शिकार आखिर में ढूंढ ही लेता है। क्या मतलब? वो जिसे मारता है वो उसे खाने वापस आता है, वो किसी को खाने नहीं देता। तो क्या खिलाए उसे? मेरा दोस्त, मेरे दोस्त को चारा समझ रखा है तुमने उलाव।
उसके हिसाब से बस यही एक आइडिया है। और तुम्हें लगता है ये सही आइडिया है? आप अपना दीन अपना ईमान सब बेच खाया है क्या तुमने? अगर वो लड़का ज्यादा बकवास करता है तो उसे वापस लंदन भेज दो, समझ गए तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना। और उन्हें तुम्हारा आइडिया घटिया लगा। ओके, बेटे के बारे में पूछा? हिम्मत नहीं हुई मेरी। तो रेड लाइट एरिया में चले फिर? रेड लाइट एरिया? हाँ, वैसे भी यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए हैं हम। कॉल करना ऑफिसर। हेलो, मैं किम बोल रही हूँ। हाँ मैम, मैंने उनको बाहर जाने से मना किया है। मैम, इस वक्त वो अपने कमरे में खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, खूबसूरत लड़कियां भी है, मुझे पता नहीं था। गलत हो तो। मुझे तो लगा कि बस शेर ही पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। देखा, सब कुछ होता एक रीजन के लिए। तुम बड़ी फिलोसफिकल बात कर रहे हो। I'm sorry। तो क्या तुम अभी सिंगल हो? नहीं, एक नर्स है जो हॉस्पिटल में काम करती है, उससे मिलता हूँ मैं। तो क्या? बहुत ही अच्छी है वो, और साथ ही मेरे कैंसर का इलाज भी कर रही है। तुम्हें कैंसर है? धीरे बोलो, क्या चाहती हो कि यहाँ सबको पता चल जाए कि मैं बीमार हूँ? कितना टाइम हुआ? एक साल, थर्ड स्टेज। क्या करे, होता है, सबको होता है। I'm sorry। Come on, तुम बस खुश रहो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। एक्सक्यूज मी, क्या आप वो लाइन हंटर हैं? हाँ जी हाँ, चेहरे से नहीं लगता है। मैंने कहा ना, पर ये व्हीलचेयर क्यों है आपके साथ? क्योंकि एक शेर ही मेरा पैर खा गया। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपको मजाक करने वाला लगता हूँ क्या? क्या हम साथ में एक ड्रिंक पी सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं विस्की पीऊंगा। ये जो मेरा दोस्त है यहाँ पर, वो भी एक हंटर है। अच्छा? हाँ, वो महिलाओं का शिकार है। है, कौन सा हथियार यूज करते हो? हथियार नहीं, पर आंखों से शिकार करता हूँ। हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि उस आदमखोर शेर ने आज फिर किसी को अपना शिकार बनाया है। इस बार उसका शिकार एक छोटा सा बच्चा। डेव, कहाँ हो तुम? लिजी, क्यों? शेर ने यहाँ एक बच्चे को मार दिया है। नहीं, क्या हुआ? We'll be right back.
तुमने हमें बताया क्यों नहीं? सॉरी, ऊपर से ऑर्डर आया था। ऑफिसर इसके साथ काम करना नहीं चाहते। इसका क्या मतलब है? इन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं। अच्छा, सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो शिकारी भाई साहब, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मुझे तो नहीं लगता। प्लान क्या है? हमने इस जंगल को चारों तरफ से घेर लिया है शिकारी। वो वहाँ बैठा हुआ आदमी कौन है? समझा, अब तुम्हारा पत्ता कट। इस काम के लिए सरकार ने एक हाईली स्किल्ड टीम को भेजा है जो उसे ढूंढ कर मार देगी। प्लान तो बढ़िया है आपका। हाँ, और तुम्हारे प्लान से कहीं बेहतर। कम से कम इसमें मरे हुए लोगों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हम। अच्छी बात है आपकी। ओलाफ के संपर्क में रहना, ये तुम्हारे वापस लौटने का सारा इंतजाम कर देगा। शायद मेरे हिसाब से तुम्हारी कल सुबह की फ्लाइट है। थैंक यू सो मच। चलो ओलाफ। बड़े बेवकूफ लोग हैं ये। तुम गुस्से में बहुत ही कमाल लगती हो लिजी। हाँ बिल्कुल, पता नहीं था। हाय डेव। तो ये है डेव। हाय, मैं जैक हूँ। लिजी अक्सर आपकी तारीफ करती रहती है। उतना भी अच्छा नहीं हूँ। पर तुम लकी हो। उसे पता है। तो क्या प्लान है, शिकार करना है या नहीं? वेल, सोचा तो था। उन्हें लगता है कि वो जैक के बिना कर लेंगे। दिमाग खराब हो गया है इनका शायद। अब क्या बोले उन्हें। तो आप यहाँ रुकने वाले हैं या फिर कोई? नहीं, रुकने का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हें वापस होटल जाना है? डिनर चलें? क्या बोलते हो, ट्रीट मैं दूंगा। अरे नहीं। खा चुके हो क्या? नहीं अभी तो मैं वो। तुम्हें काम है ना? ऐसा नहीं है, मैं तो ओवर टाइम कर रहा हूँ। बढ़िया है फिर। चलो चलते रेस्टोरेंट में। चलो, ज्यादा उड़ना मत। पर ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि वो अपाहिज इंसान है, फायदा मत उठाना। अरे नहीं, सिर्फ पैर नहीं चलते। मतलब? दिमाग बहुत अच्छा चलता है। क्या हुआ, कुछ बात बनी? इंटरव्यू की? अभी लूंगा मैं। सावधान रहे, ठीक है? ओके। चलो चलो। लीडर स्टेटस सब क्लियर है, हम आगे बढ़ रहे हैं। टीम टू लीडर, आपका स्टेटस क्या है? क्लियर सर। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार तो मेरा पाला इससे भी बड़ा शेर से पड़ा था और अच्छा, बहुत फिर क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक था वो। एक ही गोली बची थी। अरे बाप रे। हाँ, मैं डरा नहीं, सीना तान के खड़ा हो गया उसके पास और फिर मैंने एकदम पोजीशन ले ली और फिर मैं वेट करने लगा। मेरा तभी पेट खराब हो गया था और कुछ गलत खा लिया था मैंने, सही में। फिर मैं भी नहीं हिला, एकदम गन लोड किया मैं और सीधा उस पर मैंने निशाना लगाया। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गया था। फिर मैंने दूसरी गन निकाली और उसकी मुंडी उड़ा दी और मैंने ऐसे शूट किया उस पर। Oh,
किसी तरह से मैंने उसे मारा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अच्छी कहानी थी ना लीजिए। जैक अपने आप को संभालो। बेटा मेरा ऑर्डर लिखो। मिस्टर जैक, क्या चाहिए? मैं सो रहा हूँ। तुम मेरे साथ चल सकते हो, तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम जा सकते हो। कौन सी जमानत? ऑफिसर ने बुलाया तुम्हें। मैं किसी ऑफिसर को नहीं जानता हूँ, पता है? वो चीफ पुलिस ऑफिसर है। मुझे घर जाना है। एक्चुअली टिकट कैंसिल हो गया है। टिकट क्यों कैंसिल किया तुमने? हाँ, ऊपर लो इसे। थोड़ा सा ऊपर, बस बस इतना ही। इतना ठीक है? हाँ इतना चलेगा। बांध दो इसे अब। एक पूरा दिन वेस्ट करके क्या मिला? सॉरी, मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारे साथ है। उसके पकड़े जाने तक वीडियो वायरल नहीं होगा। ठीक है। खुश हो? बहुत ज्यादा। और तुम? इसे खाने के लिए वो आएगा, फिर से आएगा। पक्का कर तो पाओगे ना तुम? मुझे तुम तो जानती हो, है ना? टेंट कहाँ है? वो बच्चे करते हैं। ऐसे ही रहोगे? टांग खींच रहे हो मेरी? हाँ, वो तो है ही नहीं। मालूम था यही जोक मारोगे तुम। हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आवाज सुनकर वो यहाँ से भाग जाएगा। ऑल द बेस्ट जैक। बाद में इसकी कहानी भी बताना कि कैसे मारा। हाँ जरूर। अब तुम्हें क्या चाहिए? गुड लक मैन। शोर बिल्कुल भी मत करना, समझ गए? मेरा कुत्ता अंदर रह गया है। कोई भी पार्क के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। लेकिन मैं उसे अंदर नहीं छोड़। देखिए मैडम, समझने की कोशिश कीजिए। सैंडविच आ रहा है। सर कहाँ है? वो मीटिंग में है, मेयर और डीएम के साथ। कोई सीरियस बात है क्या? शायद ना हो, इस घटना ने सबका दिमाग खराब कर दिया है। वो आम शेर नहीं है। सॉरी थोड़ा लेट हो गया हूँ, कुछ हुआ तो नहीं? तू था कहाँ? नॉर्थ में, एक कार एक्सीडेंट हुआ है उधर। अरे शेर मरे या ना मरे, लोग तो मर ही रहे हैं ना भाई। हाँ
वो यहां से भाग गया। वो पार्क में ही है। सावधान रहना, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ओह माय गॉड, जैक कहां हो? पार्क के बीचों बीच में हूं मैं। हुआ क्या? बॉडी गायब है। क्या बात कर रहे हो तुम? बॉडी पेड़ पे नहीं है। तुम सच बोल रहे हो? सब गड़बड़ हो गया। क्या? वो टेंशन में था। जैक, जैक। नेटवर्क नहीं है। डरो मत, वो कर लेगा। मदद करनी पड़ेगी। उसे मदद नहीं चाहिए। छोड़ो मुझे। देखो, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। उसे ये करने का एक्सपीरियंस है, उसे पैसे मिलते हैं। इतना भी गरीब नहीं है वो, उसे ये पैसे नहीं चाहिए। दत्त, मुझे लगा कि शेर है। वो उस तरफ गया है। वो तो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग। क्या बकवास है, अंदर केमिकल्स भरे हैं। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अभी बिल्कुल भी नहीं। ओह नो। खाना बाहर ही छोड़कर अंदर गया है वो तो। तुम यहीं पे रुको। नहीं, मैं आऊंगी। ये लो और मेरे पीछे पीछे ही रहना। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अब तक। मतलब आस पास ही हुआ। लग तो रहा है यही कहीं है वो।
कोई सुन रहा है? कहाँ है तू? तो? शानदार एंट्री थी। ओह माय गॉड, कैसे हुआ? उसने मुझे नहीं छोड़ा। कहाँ?
नोच डाला उसने मुझे। देखो मुझे क्या मिला। अपनी ही जान लोगे? खून पे केमिकल गिरा दो, ऑपरेशन करोगी मेरा तुम? कैसा ऑपरेशन? तुम श्योर हो ना? दूसरा कोई रास्ता नहीं है, चलो काटो जल्दी। सुनो, एक काम करोगी? क्या? अंतिम इच्छा है, कपड़े उतार दो। मजाक कर रहा हूं तुमसे। भागा। काटो जल्दी। लगता है ये अच्छा आइडिया है। वहीं रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। हम लोग मीडिया में से हैं, बहुत बहुत बड़ा चैनल है हमारा। बहुत बढ़िया, पता ही नहीं चला मुझे। बहुत बढ़िया, अब जाओ। इजी, वहाँ है पीछे।
फुटेज मिला? हाँ तुम जाओ, मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना है। आप चाहे तो दूसरे एम्बुलेंस में आ सकती हैं। नहीं, मैं इसी में जाऊंगी। ठीक हो? थोड़ी चोट लगी है। ये लो, आराम मिलेगा। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस मत करना। मैं अब ये सब कभी नहीं करने वाला। मैं भी। क्या हुआ है? शायद कुछ काम चल रहा है। इस समय N32 बिल्कुल खाली होगा। सुनो, लेफ्ट से ले लो। नहीं, मैं राइट से जाऊंगा। ये शॉर्टकट पड़ रहा है। ये कैसे पता? अरे रोज आता जाता रहता हूँ ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ से इधर साइड से। फोन मिलेगा, कॉल करना है। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। हेलो, मैं हूँ, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। निकल गए वहाँ से? नहीं, अभी तो यही हूँ मैं। वैसे आज रात मेरे साथ रहोगे क्या? अभी सोचा नहीं मैंने, शायद मार्टिन के घर पे। अगर वहाँ जाने का मन नहीं है तो आ सकते हो। कहाँ, तुम्हारे घर? हाँ आ जाओ। वैसे मार्टिन के यहाँ आज एक पार्टी होने वाली है, तो मैं डिसाइड कर लूँ पार्टी करना है या मेरे साथ रहना है। अच्छा, तो भाग में जाए पार्टी। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है। पता है, वो शेर बहुत ज्यादा ताकतवर था, पता नहीं कैसे लेकिन वो खिड़की तोड़ कर अंदर आ गया था। खिड़की? कौन सी खिड़की? वो तो दरवाजे से आया था। नहीं, यहाँ उसके पैरों के निशान भी है। वैसे मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन लिजी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। क्या हुआ? मुझे लगा मैंने कोई आवाज सुनी। अबे वो घंटी की आवाज है। क्या उसकी सामने वाली बिल्डिंग थी? फिर सुनाई दी। सब तेरा वहम है, शेर कब का मर चुका है। ओह माय गॉड, दरवाजा बंद करो। और कुछ नहीं।
मैंने सोचा अब से मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। टीवी रिपोर्टर जितना आसान काम नहीं है मेरा, चाहिए तो तुम करके देख लो। मुझ पर भरोसा नहीं मतलब तुम्हें? हाँ बस खुद पे भरोसा है, तुम पे थोड़ा सा। पूरा भरोसा भी हो जाएगा। सिम्बा कहाँ गया? सिम्बा अभी तो यही था। सिम्बा हाँ आ जाएगा, किसी फीमेल डॉगी के पीछे चला गया होगा। चुप रहो सिम्बा। आजा, आजा। देखा मैंने कहा था ना आ जाएगा। सॉरी। वैसे तुमने इसका नाम सिम्बा क्यों रखा है? क्यों? सिम्बा तो शेर का नाम होता है ना। तो क्या रखा? बम्बी। Sleeping in a wild town.